तो इसलिए कि एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन हमारे पास गेम में जो अपडेट है वो आ चुका है, और अपडेट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नोटिसेस वगैरह है वो लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे देखने के बाद अच्छी नहीं लगी कि ये जो ऊपर में देख सकते हो नोटिसेस यहाँ पे पहले आ जाते थे, यहाँ पे आज नहीं आए हैं। बस एक आया है हंटर एनालिसिस फाइल हानसेमी, बस इसी का एक नोटिस आया है। बाकी सारे नोटिस देख सकते हो पुराने हैं, तो वो नोटिस देखने के लिए नीचे आना होगा। हैप्पी 100 डे ग्रैंड लॉन्च 100 डे सेलिब्रेशन, उसके नीचे है तुम्हारा अपडेट डिटेल्स। सबसे पहले हम लोग इसको देख रहे थे कि सेलिब्रेशन इवेंट में क्या क्या आने वाला है। हैप्पी 100 डे ग्रैंड लॉन्च 100 डे सेलिब्रेशन इवेंट, तो इवेंट्स में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। 8/22 से मतलब आज के दिन ये आ जाएगा। 100 डे स्पेशल लकी कैप्सूल, अच्छा, तो सेलिब्रेट द 100 डे एनिवर्सरी ऑफ द ग्रैंड लॉन्च ऑफ सोलो लेवलिंग अराइज, वेरियस इन गेम इवेंट्स विल बी हेल्ड। दो ए स्पेशल 100 डे सेलिब्रेशन लकी कैप्सूल यूज इवेंट टिकट्स टू ड्रॉ लकी कैप्सूल्स एंड ऑप्टेन वेरियस रिवार्ड्स। मेन रिवार्ड्स क्या होने वाले हैं? प्रोफाइल समर वेकेशन, अच्छा, तो प्रोफाइल के लिए हमें एक चीज़ मिलेगा। प्रोफाइल मतलब वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग कोई भी 100 के जो नाम किए गए थे उससे एवतर वगैरह वो सेव कर सकते थे या फिर पिक्चर वगैरह वो। तो कॉस्ट्यूम एमा लॉरेन सिजलिंग समर, मेन रिवार्ड्स मतलब एमा लॉरेन की जो कॉस्ट्यूम है वो हमें फ्री में मिल जाएगी। तो एमा लॉरेन तो जो कॉस्ट्यूम थी वो तो देखो मतलब समर वेकेशन वाली थी, वो हमें मिल रही है अब जाकर जब समर वेकेशन का सब कुछ खत्म हो गया तब। उसके बाद क्या, प्रोफाइल सिजलिंग समर, फ्रेम सिजलिंग समर, SSR जूसी ग्रिल्ड स्क्यू और SSR मतलब एमा लॉरेन की शायद कुछ एक नई वेपन मिलने वाली है। इवेंट जूसी ग्रिल्ड स्क्यूअर डिज़ाइन माना इम्योर फैब्रिक स्किल स्क्रॉल 1-2 प्लेयर स्किल स्क्रॉल 1-2 ठीक है। वेपन एनहेंसमेंट गियर 1-2-3 पावर ब्लेसिंग पाउडर ऑफ ब्लेसिंग रून फ्रैगमेंट हंटर माना पावर एलिक्सिर 1-2-3 गोल्ड। तो हमें एमा लॉरेन की जो स्किन है या फिर कॉस्ट्यूम है फ्री में मिल जाएगी। तो अलिशिया ब्लंची कुछ पता नहीं, देखना होगा। वो जियान रॉक पेपर सीजर्स इवेंट, अभी जियान कौन है मुझे डोरेमोन वाला जियान याद आ गया। तो रॉक पेपर सीजर्स का एक इवेंट आने वाला है जो तुम लोग पहले खेल चुके हो, सेम टू सेम वैसे ही होने वाला होगा। और यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, जूसी गर्ल स्क्यूअर डिज़ाइन, जूसी गर्ल स्क्यूअर स्पेशल कैप्सूल टिकट, 100 डेज ऑफ मेमोरीज, 100 डेज ऑफ सेलिब्रेशन केक, ये दोनों तुम्हारे सब आइटम्स होने वाले हैं डेकोरेशन के लिए। माना पावर क्रिस्टल चेस्ट, एडवांस माना क्रिस्टल, फिर क्या है, मिनी गेम स्टैक टैंक हार्ट पाउंडिंग टैंक पावर टावर, बिल्ड अ टावर बाई स्टैकिंग टैंक्स दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, ईच प्ले विल एक्यूमुलेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टावर फ्लोर्स यू हैव बिल्ड एंड यू कैन ऑप्टेन रिवार्ड्स बेस्ड ऑन द डेली एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स। तो एक नए टाइप का हमारे पास गेम मोड आने वाला है, जैसे हमारे पास दो समर वेकेशन के इवेंट्स आए थे तो उसी तरह का कुछ इवेंट आने वाला होगा शायद। वेपन एनहांसमेंट गियर यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे जितने दिन हम स्टैक करेंगे उस हिसाब से। और मिनी गेम में प्रोटेक्ट द 100 डे केक, तो केक को हमें प्रोटेक्ट करना होगा, सेम टू सेम एक इवेंट द किंग ऑफ फाइटर्स ऑल स्टार्स में भी आता था सीजनल इवेंट्स में। एक हमको एक तरीके का एक होता दोनों को क्या कहते हैं उसको कुछ दे दिया जाएगा, तो उसको हमें प्रोटेक्शन करना होगा जो उसको तोड़ने आएंगे उनसे। तो देखो पॉइंट्स के हिसाब से हमें यहाँ पर से भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जो लकी कैप्सूल टिकट है वो भी इधर से मिल जाएगा। ये शायद डेली होगा, तो डेली हमें इधर से भी 3 और 2 5 कैप्सूल टिकट्स मिल जाएंगे। आई होप कि ये डेली होगा, और डेली हमको ये प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। स्क्वीकी क्लीन बीच क्लीन अप डेजर्ट सैंडस्टोन गार्डियन, तो यहाँ पे हम उससे क्या मिल सकता है, SSR जूसी ग्रिल स्क्यूअर। तो ये जो SSR जूसी ग्रिल स्क्यूअर है ये एक हमने नए तरीके का वेपन लग रहा है मुझे, और ये शायद हमें बहुत सारा मिलने वाला है बहुत जगह से, तक हम उसको 5 स्टार एटलीस्ट अच्छी फ्री में खेल के कर पाए। SR100 एक्सक्लूसिव वेपन डिज़ाइन फ्रेम कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे फ्रेम्स मिलने वाले हैं। और क्या स्पेशल लकी कैप्सूल टिकट, मिडनाइट बीच क्लीन अप, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। तो क्या 100 डे डेली मिशंस, जहाँ से हमें मिल सकते हैं, यू कैन गेट वेरियस रिवार्ड्स बाय कंप्लीटिंग ईच डेली मिशन एंड इफ यू कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ मिशंस यू कैन ऑब्टेन कस्टम डॉट टिकट 50। तो 50 कस्टम डॉट टिकट्स मिलने वाले हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इवेंट, द रिवार्ड आइटम माना इम्योर फैब्रिक कैन बी यूज फॉर क्राफ्टिंग सर्टेन कॉस्ट्यूम्स, ये तो फालतू की चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हमारा 100 डे सेलिब्रेशन इवेंट का नोटिस था वो, अब हम देखेंगे अपडेट डिटेल्स पर। मैं वीडियो जितनी हो सके छोटी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम की वीडियो मेरी 25 मिनट की बन गई थी लास्ट अपडेट वाली। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, 5 चीज़ें फिर से। न्यू कंटेंट क्या है, एडिशन ऑफ द गिल्ड, न्यू गिल्ड सिस्टम, न्यू गिल्ड कंटेंट वेयर हंटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन प्ले टुगेदर रिगार्डलेस। देखो गिल्ड सिस्टम का जो अपडेट आने वाला है, तो इसके बाद जो मैं आज नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो गिल्ड के ऊपर ही होगी। तो गिल्ड में जब वहाँ पे क्या कहते हैं उसको कर दूंगा क्रिएट करूंगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, सेम टू सेम बस गिल्ड के ऊपर ही वो वीडियो होने वाली है। और उसी वीडियो के नीचे तुम सभी को आके कमेंट करना होगा जो आई वांट टू ज्वाइन, ये कमेंट आके करना होगा। और जिसको जिन जिनको मैं रिप्लाई करूंगा उस वीडियो में, इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है उस पे, इस वीडियो पे नहीं, तो वहाँ पर तुम्हें जाकर कमेंट करना होगा जो जो मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है, आई वांट टू ज्वाइन ये वाला वर्ड पर टाइप करना होगा। और जिन जिनको मैं कमेंट करूंगा समझना कि तुम ज्वाइन हो चुके हो उस वीडियो पर। और बोंजो भाई तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम
मैं सबसे पहले लॉयल सब्सक्राइबर हूँ, इसलिए तुम सबसे पहले मेरे गिल्ड में आ जाओगे, उसकी चिंता नहीं है। इन द गिल्ड सिस्टम यू कैन चैलेंज गिल्ड एक्सक्लूसिव बॉसेस और एंजॉय मिनी गेम्स, तो दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यू कैन कलेक्ट गिल्ड कॉइन्स बाय कंप्लीटिंग गिल्ड मिशन्स। यस, ये जो गिल्ड कॉइन वाला ऑप्शन था ये द किंग ऑफ फाइटर्स ऑल स्टार्स में भी देखने को मिलता था, और अलग से गिल्ड का शॉप भी था जहाँ पे हम वो कॉइन के साथ कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर सकते थे। आइटम्स फॉर बब्स इन द गिल्ड एक्सचेंज शॉप, यह भी है वो। यू कैन एक्वायर गोल्ड गिल्ड कंट्रीब्यूशंस एन एक्सपी बाय क्लियरिंग गिल्ड मिशन्स, लेवल अप योर गिल्ड। द परचेसेबल आइटम्स इन द गिल्ड एक्सचेंज शॉप इंक्रीजेस एज योर गिल्ड लेवल इंक्रीजेस, ग्रो योर गिल्ड इवन बिगर विद द गिल्ड फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। अब देखो ये चीज़ें मैंने तुमको पहले बता चुका हूँ कि संजीनू का लेवल 20 होना चाहिए गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, और संजीनू का लेवल 40 होना चाहिए गिल्ड क्रिएट करने के लिए। द वीकली कंटेंट सच एस गिल्ड मिशंस एंड गिल्ड बॉसेस रीसेट एवरी थर्सडे, तो हर थर्सडे को गिल्ड का ये जो मिशन है बॉस है वो चेंज होता रहेगा, तो गिल्ड का बॉस भी चेंज होगा। न्यू संजीनू जॉब चेंज, तो संजीनू का जॉब चेंज ऐड हो चुका है। न्यू संजीनू जॉब चेंज मोनार्क ऑफ द शैडोज सोल शेपर्ड, तो ये सोल शेपर्ड तो हमारे 15 नंबर चैप्टर में आता था जिसको हराना पड़ता था। देखना होगा न्यू कॉस्ट्यूम देखने में कैसा होगा। विल बी एडेड विद द एडिशन ऑफ न्यू जॉब चेंज कॉस्ट्यूम एंड स्किल्स विल बी एडेड। यस, न्यू स्किल्स मिलेंगी। और ये जॉब चेंज करने के लिए हमें क्लियर स्टोरी चैप्टर 15 ऑन हार्ड, अच्छा सोल शेपर्ड ऑन हार्ड रीच 90,000 टोटल पावर संजीनू, तो हमें हार्ड मोड पे चैप्टर 15 का इसको हराना होगा। जल्दी से हमें क्लियर करना होगा क्योंकि अब तक मैंने हार्ड मोड पे ज़्यादा खेला है नहीं। क्लियर बैटल फील्ड ट्रायल्स फॉर 13 प्लेयर मोड, तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं। हार्ड में चैप्टर 15 क्लियर करो, 90,000 बैटल पावर रीच करो संजीनू के साथ, जो कि अभी आसान हो गया है, और 34 बैटल फील्ड ट्रायल्स में क्लियर करना होगा प्लेयर मोड पे। जॉब चेंज रिवार्ड मिलेंगे, नॉर्मल स्किल सोनिक स्ट्रीम न्यू रून डबल डाउन, न्यू जॉब चेंज कॉस्ट्यूम संजीनू गॉड ऑफ डेथ, नाम तो भाई बहुत ढांसू बनाया है, तो देखना होगा कि कॉस्ट्यूम कैसा होता है। एडिशन न्यू SSR हंटर्स एंड एक्सक्लूसिव वेपन्स, हानसेमी और उसकी एक्सक्लूसिव वेपन गो गुन ही, तो हानसेमी विन एट्रीब्यूट की होगी, गो गुन ही लाइट एट्रीब्यूट का होगा। एक्सक्लूसिव वेपन कन्विक्शन ऑफ द कॉलिंग एंड द कॉलिंग विल बी एडेड, न्यू हंटर्स प्रोफाइल आइकॉन रोसियर सब कुछ एक्सेट्रा ऐड हो जाएगी। तो ये है हानसेमी, शायद हीलर होगी विन, हाँ बिल्कुल हीलर है गो गुन ही, ये टैंक के साथ होने वाला है तुम्हारा वो लाइट एलिमेंट। देखना होगा कैसा होता है इसका गेम प्ले। ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, बोलो बात देखेंगे। जीक्स फ्रेगमेंट ये क्या है, संजीनू का एक्सक्लूसिव वेपन SSR डार्क एट्रीब्यूट जीक्स फ्रेगमेंट विल बी एडेड, देखो सोनिक वेपन दे। अब ये कौन सा वेपन है, ये मुझे देखा स्पीयर लग रहा है, मुझे याद नहीं क्या ये भी ओरिजिनल स्टोरी में था या फिर नहीं। जो सिगल स्क्यूअर ये कुछ भी, ये है नया वेपन, ये एमा लॉरेंट की वेपन होने वाली है मुझे लगता है। SSR फायर मतलब किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। थोर डीमन नाइट स्पीयर, तो संजीनू, अच्छा संजीनू का भी एक्सक्लूसिव एक वेपन SSR लाइट एट्रीब्यूट का ऐड होगा, एक और डीमन नाइट स्पीयर विल बी एडेड, द कॉरस्पॉन्डिंग वेपन कैन यू ऑब्टेन थ्रू द गिल्ड एक्सचेंज शॉप, तो गिल्ड एक्सचेंज शॉप से हम लोगों को एक स्पेसिफिक वेपन मिल जाएगा ये वाला, ये अच्छी बात है। ये भी मुझे एक तरीके का स्पीयर लग रहा है लाइट एलिमेंट का होगा। तो न्यू कॉस्ट्यूम्स ऐड होने वाले हैं, डाई मटेरियल डाई कॉस्ट्यूम्स यू विल नीड माना इम्यूट फैब्रिक विद दिस आइटम कैन बी ऑब्टेन थ्रू इवेंट्स और परचेस इन द शॉप। हानसेमी सेवन नाइट स्ट्रोल हानसेमी लव एट फर्स्ट सी, तो ये कॉस्ट्यूम हानसेमी की लॉन्च हो चुकी है, साथ में ये भी, तो एक तो हमें मिल जाएगी उधर से हंटर आर्काइव की सीक्रेट लाइब्रेरी से, दूसरा शायद परचेस करना पड़ेगा। अलिशिया लेजी ब्रेक एमा लॉरेंट सिजलिंग समर, तो अलिशिया का ये कॉस्ट्यूम हमें कहीं को दिखने को तो नहीं मिल रहा है, आई होप कि ये हमें मिल जाए उस जगह से सीक्रेट लाइब्रेरी, लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगी, ये शायद परचेस करना पड़ेगा। न्यू स्किल सोनिक स्ट्रीम एंड फोर टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिव स्किल रूनस विल बी एडेड, न्यू ब्लेसिंग स्टोन स्विफ्ट स्ट्राइक एंड वी आर वन विल बी एडेड, तो दो नए तरह के ब्लेसिंग स्टोन ऐड होने वाले हैं। न्यू हंटर आर्काइव स्टोरी सीक्रेट लाइब्रेरी, तो गोगुन ही और हानसेमी की होगी शायद वो। ये क्या है, वेबल जेस फॉर द कन्फ्यूजन एडिशन ऑफ SR 100 एक्सक्लूसिव वेपन रिवाइज द क्वेश्चन कॉन्टेंट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 822 अपडेट, तो इन चारों के जो वो वेपन्स थे नेम, हाँ SR वेपन्स थे, तो वो SR 100 के एक्सक्लूसिव वेपन्स वो ऐड नहीं होंगे, जब देख सकते हो काट दिया है। न्यू रिवर्स स्टोरी चैप्टर विल बी एडेड इन रिवर्स मोड, हिडन चैप्टर 1-2 एडेड थ्रू द, तो नए चैप्टर्स रिवर्स मोड में हमको देखने को मिलेंगे। ग्रैंड लॉज काइनहार्टेड हंट सेमी लॉटरी ड्रॉ इवेंट पॉइंट्स लॉयल्टी इवेंट्स, ये भी कुछ नए देगा इवेंट्स, तो नीचे देखना पड़ेगा। बैलेंस एडजस्टमेंट इंक्रीजेस द रेपुटेशन लेवल रिवार्ड्स, ये अच्छी बात है। ओह वो रेपुटेशन लेवल, तो रेपुटेशन लेवल के हिसाब से मैं सबको रोल्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा अपने गिल्ड में। अब देखना होगा रेपुटेशन के साथ हम लोगों को क्या मिलेगा। रेपुटेशन लेवल 20 रीच करते हो तो हमें मार्क ऑफ टाइम 15 मिल जाएंगे, 1,00,000 गोल्ड 25 पे, 30 पे टैक्सी का जिम 3, मार्क ऑफ टाइम 20 मिल जाएंगे 35 पे, 40 पे 1,50,000, तो देख सकते हो जितना हम लोग लेवल अप करेंगे 70 तक जा सकते हैं उतने ज़्यादा चीज़ मिलेंगे। 70 रेपुटेशन लेवल भाई बहुत होती है, 2.5 लाख की जगह यहाँ पे 2 मिलियन गोल्ड दे सकते थे अच्छा लगता, क्योंकि 70 पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत दिन लगते हैं पहुँचने में।
यू शू हैं कस्टम ड्रॉ में आ चुकी है। न्यू ड्रॉ वेपन कस्टम ड्रॉ, वेपन कस्टम ड्रॉ में अरेसर सिक्स संजिन वू वेपन्स फ्रॉम द डेटा लिस्ट। अच्छा तो ओनली वेपन्स फॉर संजिन वू एंड एसर रैंक और लोअर हंड्रेड विल ड्रॉप द वेपन कस्टम ड्रॉ। तो वेपन कस्टम ड्रॉ का भी शायद एक अलग से कस्टम ड्रॉ आने वाला है मे बी। डेटा लिस्ट जिक्स फ्रेगमेंट्स कादी, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखो वेपन और हंड्रेड एक जगह ही दे देते तो एक जगह ही हम लोग वो करते तो मिलने के चांसेस थे, लेकिन अब नहीं होगा, अलग अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा वेपन्स के लिए और इनके लिए। कंटेंट इंप्रूवमेंट्स, न्यू 5160 फ्लोर्स विल बी एडेड इन बैटलफील्ड ट्रायल्स। तो बैटलफील्ड ट्रायल्स में नए फ्लोर्स ऐड होने वाले हैं। बैटलफील्ड ट्रायल्स चैलेंज, न्यू सीज़न आ चुका है तो यहाँ पर डार्कनेस के ऊपर तो मेन जो है फोकस करना पड़ेगा। सर्वर मर्ज, ए सर्वर मर्ज इज शेड्यूल टू अनाउंस द इन द पास्ट नोटिस। तो सर्वर मर्ज होने वाले हैं। बैटल टायर एक्सपेंशन, बैटल टायर 41 से लेकर 45 तक हो गया है। तो मैक्सिमम माइनिंग टीम लेवल, ये अच्छी बात करी है, पहले 20 में मैक्स होता था, अब 30 हो गया है। तो वो जो गेट्स का जो माइनिंग का मिशन था, वो मिशन नहीं माइनिंग का जो जगह थी, वो 30 से हो गया है। शॉप में हम लोग को कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली है, देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग परचेस नहीं करने वाले इसलिए। कितने सारे शॉप में पैकेजेस आ चुके हैं भाई, नीचे जाओ। ये भी पैकेज है, अभी ये क्या है पैकेज को शायद 100 पास। तो 100 पास भी चेंज होने वाला है, नया 100 पास आने वाला है। स्किल रून प्रीमियम 10 मंथ, स्किल रून चांस पैक, बहुत सारे नई चीज़ आ चुकी है। सिस्टम इंप्रूवमेंट्स होने वाली है, तो ये चीज़ों को थोड़ा एडजस्टमेंट भी किया जाएगा, बहुत सारे बग फिक्सेस भी किए गए हैं। ये गई अपडेट नोटिस, इसका बाकी नोटिस पे नज़र डालेंगे। तो ये है बैलेंस एडजस्टमेंट का नोटिस। ऐसा सर बाइक यूनो के ऊपर थोड़ा ये चेंजेस आए हैं, अभी ये परूंगा नहीं क्योंकि मेरी गले की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अभी, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा। तो पॉज करके पढ़ लेना कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। एडवांसमेंट है 3 बाइक यूनो, और ये क्या है वल्कन रेज को भी थोड़ा बफ किया गया है। फिनिक्स सोल को भी बफ किया गया है, अच्छी बात है। 33 ग्रीमर को भी बफ किया गया है, सरप्राइज। स्कादी को भी बफ किया गया है। डीमन किंग्स जो लॉन्ग शॉट है इसको भी बफ किया गया है, अच्छी बात है। हंट्समैन को भी बफ किया गया है। डील्स वीक बेसिक अटैक भी अब वीक ब्रेक डैमेज करेगा, पहले नहीं करता था। फिर है डेमोनिक प्लम स्वॉर्ड, एक सेकंड, मुझे लगता है सारे SSR वेपन्स को बफ किया गया है। रून स्किल बैलेंस एडजस्टमेंट्स, वो तो स्किल्स को फिर से इन लोगों ने बफ किया है, अच्छी बात है, ताकि बाकी स्किल्स को भी सारे लोग यूज़ करना शुरू कर दें। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे आ चुके हैं बॉस स्लेयर, ये शायद है। ब्लेसिंग स्टोन्स को भी बफ किया गया है फिर से, जो कि अच्छी बात है। और ये देखो ये बर्निंग कर स्वॉर्ड को भी बफ किया गया है, मतलब जो बर्निंग सेट से वो। इसके बाद क्या है जो कि इतना नीचे जाकर अब देखना पड़ रहा है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। बाकी चीज़ें किधर गई भाई, ऑफिशियल न्यूज़, एनालिसिस फाइल, ग्रोथ इवेंट। तो ये वही सेम टू सेम है, मतलब हाँ सेमी के ऊपर तुम लोगों को ग्रोथ के ऊपर ये सारे इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहले भी जो आते थे सेम टू सेम वही है, तो मतलब जब कोई नया हंटर लॉन्च होता है तो उसके साथ इवेंट्स वाले सेक्शन पे हमें कुछ इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं ना, तो वही है ये। तो ये कैप्सूल इवेंट है, तुम्हें पता है कैप्सूल इवेंट क्या है, किस तरीके का इवेंट होता है, बहुत ही मतलब मज़ेदार इवेंट होगा ये भी। जूसी स्क्यूअर नहीं तो एकदम मैक्सिमम में हमें क्या मिलेगा, अरे कोई अच्छा खासा वेपन दे देते हैं, सेमी का वो वेपन है, फिर क्या कहते हैं उसको गोगोनी का वेपन, वो ग्रिल स्क्यूअर वाला वेपन मिलेगा इधर से। तो रिवार्ड क्या है, सिजलिंग समर, एक सेकंड सिजलिंग, अच्छा तो बाकी चीज़ें हैं नहीं भाई, जैसे हमें अच्छे खासे वेपन्स मिलने चाहिए थे। लॉयल्टी इवेंट्स नीचे आएंगे थोड़ा और, तो ये क्या है, इस तरीके से देखने में मतलब बहुत दिक्कत आ रही है, ऊपर से पहले साइड बाई साइड दे देते तो अच्छा लगता था देखने में। तो ये क्या है, लॉयल्टी इवेंट्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑन 8/22 नए कुछ याद होंगे, 100 सेलिब्रेशन ग्रोथ टूर्नामेंट, हाँ ये तो टूर्नामेंट है। हाउ टू पार्टिसिपेट, ऑब्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स बाय कंप्लीटिंग द डिजाइनेटेड मिशंस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉइंट इवेंट, हाँ वो तो ठीक है। वेरियस रिवर्स कैन बी क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू एक्युमुलेटेड पॉइंट्स, अच्छा मतलब ये जो सारे इवेंट्स आने वाले हैं ये सारे इवेंट्स अगर तुम्हें सही जगह पर मात्रा में पॉइंट्स कलेक्शन कर लेते हो तो उस हिसाब से हमें एक अच्छे खासे रिवर्स मिल जाएंगे। गोल्ड लो, तो ये वो वाला है, मतलब जो पिछले महीने जो इवेंट नहीं आया था वो सेम तरीके का इवेंट आया है, मतलब ऐसा होता था ना, मतलब एक तुम्हें एक्सपेसिफिक टाइप के 100 के वेपन्स को लेवल अप करना पड़ता था, उस हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलते थे, उस पॉइंट्स के हिसाब से रिवार्ड्स मिलते थे, तो वही सेम तरीके का इवेंट आने वाला है। काइंड हार्टेड हांसमी रेटर ड्रॉ इवेंट, तो हांसमी का रेटर ड्रॉ इवेंट आ चुका है, यह नहीं घुसना चाहिए था कि पता है क्या है। और यह है तुम्हारा वो जियान के साथ वो
वो वाला इवेंट स्टोन पेपर सीजन क्या पिक्चर दिया गया है, रैंकिंग रिवार्ड्स पिक्चर शो नहीं किया गया है, लेकिन स्टोन पेपर सीजन वाला इवेंट है। ट्रेजर हंट इवेंट, ओह ये एक नई चीज़ है, मुझे नहीं पता था कि फिर से ये आ जाएगा इतनी जल्दी। तो या सर ये दोनों इसके मेन रिवार्ड्स हैं शायद। और ट्रेजर हंट इवेंट में पता है कैसे खेलना होता है, वो बोर्ड आएगा, बोर्ड को डिबीट करते जाना होगा। अच्छा तो गोगुनी और हांसिमी वेपन डिज़ाइन हम लोगों को इधर से मिल जाएगा, वेपन डिज़ाइन सिलेक्शन चेस्ट, ये अच्छी बात है। तो ये ट्रेजर इवेंट अच्छा होगा, ट्रेजर हंट वाला। और नीचे क्या है, गिल्ड में या न्यू कोड गाइस, आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं क्योंकि और कोई नोटिस नहीं मिल रहा है। चलो हमारे पास अब तक यही नोटिस आए थे, गेम को अपडेट कर लेना, जब आएगा तब आ जाना। और गिल्ड के ऊपर एक वीडियो लेके मैं आ जाऊँगा जब अपडेट खत्म हो जाएगा उसके बाद, मतलब मेरी पहली वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है, मतलब दोपहर के अंदर आ जाएगा गिल्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर होगा। उसके ऊपर मैंने तुमको जैसे बताया था कि तुम्हें आगे कमेंट करना होगा उस वीडियो के ऊपर, गिल्ड के ऊपर मैं जो लाऊंगा गिल्ड रिक्वायरमेंट की, मैं वीडियो में टाइटल सब कुछ वही डालूंगा कि आई वांट टू जॉइन, और जिसको जिसको मैं रिप्लाई करूंगा उस वीडियो में कमेंट में, समझ लेना तुम्हारा मेरे गिल्ड में आने का रास्ता खुल चुका है। तो जब तक 50 मतलब 50 प्लेसेस फुल नहीं हो जाते कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। तो चलो इस वीडियो के बस इतना ही।